नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, समाज सेविका मर्जिया सानू पठान के नेतृत्व में इज्तिमाई दुआ का आयोजन किया गया है 9 नवंबर को 4 बजे से 6 बजे तक फिलिस्तीन की जनता के समर्थन में। आइए, समाज सेविका मर्जिया सानू पठान ने इज्तिमाई दुआ के बारे में क्या कुछ बताया है, सुनवाते हैं उनकी ही जुबानी में। मैडम, आज आपने पत्रकार परिषद लिए, क्या कारण था लेने का, क्या कहना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। हमको पता है कि गाजा फिलिस्तीन में जो मामला हो रहे हैं उसको पूरा एक महीना हो गया है और वहाँ के मामला कुछ उतने सुधराव उसमें दिख नहीं रहा है। भले काफ़ी सारी कंट्रीज उस पर अपना निषेध जाहिर कर रही है थ्रू सोशल मीडिया या जो भी है एड वगैरह खींच कर, पर उसमें इतना मामला वहाँ के सुधर रहे नहीं है। हमने एक महीना पहले जब ये सब शुरू हुआ था तब हमने एक ऐतिल करीमा रख के सबसे पहले हमने दुआ करी थी। फिर उसके बाद औरमा और इकरामों के फैसले से एक जेंट्स लोगों की दुआ हुई। अभी हम लोग एक लेडीज़ की दुआ रख रहे हैं। इज्तिमाई दुआ है, ये पीसफुल दुआ है जिसमें हम मुंद्रा कौसा की खवातीन और बहनों से गुजारिश करना चाहते हैं कि आप इस दुआ में शामिल होइए कि हम गाजा और फलस्तीन के लोगों के लिए एक पीसफुल दुआ रखें। हम लोगों ने 9 नवंबर को ये दुआ है मित्तल ग्राउंड दादी कॉलोनी में, ये दुआ है 4 बजे से 6 बजे के दरमियान में है ये दुआ। तो आप लोग आइए, इसमें शामिल होइए। हम एक डेलीगेशन भी साइन करने वाले हैं जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देंगे कि जैसे पिछले जो जैसी हमारी जो पुराने जो सारे चीफ पुराने जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा फिलिस्तीन को सपोर्ट किया है, उसी तरीके से फलस्तीन को सपोर्ट किया जाए। और इंटरनेशनली, क्योंकि आप देखिए सारे इंटरनेशनल वॉर रूल्स जो है उसकी हदें पार कर दी गई है ना, सारे जो इंटरनेशनल लॉ वॉर रूल्स होते हैं उसकी हदें पार कर दी गई है। ह्यूमैनिटेरियन जो लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं इंटरनेशनली, उसकी हदें पार कर दी गई है। तो हमारी ये दरख्वास्त है, हम गवर्नमेंट को दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप हमारे बिहाफ पर इंटरनेशनली इस चीज़ को और रेज करें। इस चीज़ का डेलीगेशन हम देंगे कि आप इंटरनेशनली इस जंग को रोकने के लिए हम तो दुआ करेंगे, साथ साथ में डेलीगेशन भी देंगे। आप इस चीज़ को हाईली रेस करें, जैसे पुराने हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर, जितनी भी बार जो भी गवर्नमेंट रही है, पर इंडिया का हिस्ट्री रही है कि वो फलस्तीन के सपोर्ट में ही हमेशा रहा है। तो हम ये गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करेंगे और साथ ही में हम ये दुआ भी करेंगे। और ये हम बताना चाहते हैं कि हम फलस्तीन के साथ है। किसी की ज़मीन लेना और उनके साथ इतना जुल्म का मामला करना, ये कहीं की भी कहीं का भी एक वॉर राइट नहीं है। तो हम फलस्तीन के साथ हैं और मस्जिद अक्सर हमारी थी, है और हमेशा हमारी रहती है। मैडम, कहाँ पर एक बार फिर ये दुआ का इंतजाम किया गया, कहाँ पे किया गया? ये पिंटिया ग्राउंड में किया गया है, दादी कॉलोनी में पिंटिया ग्राउंड में। सिर्फ महिलाओं के लिए है खास करके, तो महिलाओं से गुजारिश है क्योंकि महिलाएं एक मेल दुआ हो चुकी है, तो महिलाएं किस महिलाओं को भी चाहती कि हमारा भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहे इस चीज़ में, तो हमने महिलाओं के लिए दुआ रखी है। तो आप उसमें शामिल होइए दोपहर के 4 बजे से 6 बजे तक।